अस्सलाम वालेकुम। बिना रोक टोक के अपनी वीडियो करते हैं जो शुरू। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले अपने माइक की, माइक बोया BYM1 माइक। बड़े चर्चे सुने के, तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है जी बिल, कमर तोड़ देने वाला बिल है इसका। इसका डब्बा देख लीजिए, ओरिजिनल ही है। अगर आपको ओरिजिनल चेक करना तो यहाँ पे बार कोड होगा, उसको अपने स्क्रैच करके इनकी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर अपना कोड डालना है, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल ही है। यह है जी बोया का BYM1 माइक। मेरी आवाज़ को आप सुन सकते हैं कितनी नॉइस इसमें आ रही होगी, इर्द गिर्द जितनी भी नॉइस है। तो बात करें इसकी क्वालिटी की, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। कुछ ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मुझे एक बार नहीं है, आप पे यकीन नहीं कि आप पढ़ेंगे। जी मैं सही कह रहा हूँ। इसको करते हैं जी ओपन। ओपन करने के बाद इसके अंदर से एक बहुत ही मतलब चिकना चीज़, एक थैली निकलनी है बाहर, जिसके ऊपर भी बोया का मोनोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एक उन्होंने बुक दे दी है आपके पढ़ने के लिए, आपके नॉलेज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बहुत ही आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये एक वारंटी कार्ड है इसका, वारंटी कार्ड इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या निकलने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, क्या महसूस करने को मिलता है। सबसे पहले तो एक पुड़िया दी हुई उन्होंने, पता नहीं है किस चीज़ की पुड़िया है, आई थिंक कुछ खास ही हो गई। उसके बाद एक ये पैकेट मिलता है, पैकेट के अंदर क्या है खोल के चेक कर लेते हैं। इंटेलिजेंट लोग हैं। पैकेट लो जी, एक तो इसमें उसका फिल्टर निकला है माइक का। फिल्टर बड़ा छोटा सा यार इसमें, मतलब फिल्टर्स ये शायद सही काम करे ये। उसके बाद ये आपको एक क्लिप मिल जाता है, ये वो क्लिप नहीं है, ये वो क्लिप है, ये वाला क्लिप है ये, ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है माशाल्लाह। उसके बाद ये आपको मिलता है DSLR के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास DSLR नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में जब आएगा तो कनेक्ट कर लेंगे। ये बकायदा उन्होंने इसके ऊपर लिखा भी है फास्ट सपोर्ट। ये किस किस को सपोर्ट करता है, ये स्मार्टफोन को करता है, DSLR को करता है, PC को करता है, OETC वगैरह भी लिखा हुआ है। ये हमारा आ गया जी मेन माइक। तार अलहमदिल्ला इसकी काफ़ी ज़्यादा दासू है, काफ़ी ज़्यादा लंबी है, शायद ये आपकी 5 मीटर से भी ज़्यादा हो देखने में, अंदाजे में ये मैं आपको बता रहा हूँ शायद, ठीक है। उसके बाद ये इसका एक क्लिप है, क्लिप को खोलें, तो खोलने के बाद इसके अंदर आपने एक सेल डाला था, जो कि मैंने ऑलरेडी सेल डाल के इसको टेस्ट किया है, तो अलहमदिल्ला इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो मुझे मिली है, खासियत मुबादला है कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये सेल डालने के बाद इसको आपने कर देना है ऑफ। ऑफ करने के बाद ये हमारा जी क्लिप, ये वाला क्लिप, सॉरी ये लग गया जी माइक, ठीक है। इसके ऊपर लगा लेते हैं अब इसका फिल्टर हम। ये लग गया जी फिल्टर, ये एक तो इसका माइक का हो गया तैयार। अब इसकी हम वायर को कर लेते हैं ओपन। एक ही वायर ओपन करने के लिए काफी ज्यादा लेंथी ये हो चुकी है। अब इस वाली वायर को भी थोड़ा सा बाहर कर लें, शायद कोई फ़ायदा मिल जाए हमको, ठीक है जी। अब जो मैं आपसे बातें वगैरह की हैं, जो आपसे थोड़ी बहुत चबले मारी हैं, वो मैंने बगैर माइक के मारी हैं। अब मैं मारूंगा माइक के साथ चबले, तो कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बोल दिया करें। ये जो इसके अंदर इंटर करके ये लगाएंगे DSLR को, फिलहाल हम लगाएंगे इसको मोबाइल के साथ। जितनी आवाज़ आप मेरी सुन रहे हैं आप तक पहुंच रही है, वो आपको बगैर माइक के पहुंच रही है। अब जो कर दिया इसमें हमने माइक, तो अब कैसी आपको आवाज़ आ रही है इसकी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें नॉइस रिडक्शन बिल्कुल नहीं हो रही और आपको आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और हाँ एक बात आपको और बता दूँ कि इसको जब भी आपने परचेज़ करना है इसको ऑफलाइन ही करना है, कभी किसी से मंगवाना मत दराज या अमेज़ोन वगैरह से, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको वो माइक सही ना मिले, उसकी वारंटी ना हो, लेकिन ये ऑफलाइन जब आप ख़रीदने जाते हैं तो फिर आप चेक करके लेके आते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।